कौन होने वाले हैं फिल्म बच्चन पांडे के विलन। और आखिर इनका क्या कहना है इस रोल को लेकर। तो आइए दोस्तों जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे के बारे में। तो दोस्तों अपनी लास्ट वीडियो में मैं आप सभी को फिल्म के मेन लीड्स के बारे में बता चुकी थी, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं खुलासा करने वाली हूँ फिल्म के विलन का। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि वो एक्टर कौन है जो अक्षय कुमार के ऑपोजिट उन्हें चैलेंज करते हुए नजर आएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब चलिए एक आम सी बात करती हूँ। अब कोई भी फिल्म हो हर फिल्म में हीरो तो होना चाहिए ही, लेकिन उस हीरो को कदम कदम पर चैलेंज करने वाला, उसके हर स्टेप में अड़चन डालने वाला विलन भी हर फिल्म में जरूर होना चाहिए। अगर किसी फिल्म में विलन ना होना तो वो फिल्म अधूरी सी लगती है। अब ऐसे में एक पॉइंट और जरूरी हो जाता है, और वो ये है कि अगर फिल्म का हीरो अच्छा है तो फिल्म के विलन को भी उसी लेवल का होना पड़ता है, या फिर उससे ज्यादा। उससे कम लेवल का अगर विलन होगा, विलन कमजोर होगा, तो भाई ऐसी फिल्म में मजा ही क्या। विलन को तो हमेशा हीरो से ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिखाया जाता है। ऐसे में जहां आने वाली एक्शन कॉमेडी फिल्म में एक्टर हमें अक्षय कुमार बने नजर आएंगे, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि फिल्म का विलन स्नेहिल दादी जैसा हो। जी हाँ दोस्तों, भूल गए ना आप लोग, मुझे पता था, तभी मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल्स भी साथ लेकर आई हूँ। अगर आप सभी को याद हो तो हम सभी ने स्नेहल दाब्बी को वेलकम और हेरा फेरी जैसी फिल्मों में बहुत बार देखा है। अब दोस्तों स्नेहल ने हमें इतना तो बता ही दिया कि वो फिल्म में हमें विलन के किरदार नजर आएंगे, लेकिन उनका राज खोलने का किस्सा यही खत्म नहीं हुआ। जी हाँ, इसके बाद उन्होंने बताया कि हाँ वो फिल्म में एक हार्ड कोर विलन के रूप में नजर आने वाले हैं, लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक इंसान रिस्पॉन्सिबल है और वो है अक्षय कुमार। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सभी को बताया कि इस फिल्म में काम करने के लिए उन्हें अक्षय कुमार ने ही बनाया था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अक्षय कुमार उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो इससे पहले भी अक्षय कुमार ने उन्हें गब्बर इज बैक जैसी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था, लेकिन स्नेहल ने उस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। तो फाइनली जब लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्नेहल इस फिल्म के सेट पर गए, तो वहां पर अक्षय ने कहा कि अब तो तुम मेरे साथ फिल्म करोगे ना, या करना ही नहीं चाहते तुम मेरे साथ फिल्म। तो इस पर स्नेहल हंसने लगे और स्नेहल ने रिप्लाई दिया कि सर आपके साथ काम करना तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, तो ऐसे में भला मैं आपके साथ काम करने को कैसे टाल सकता हूँ, और मैं इस फिल्म में काम जरूर करूंगा। इसके बाद अक्षय कुमार बड़ी जोर से हंसे और हंसकर कहने लगे कि हाँ हाँ कर लो, क्योंकि ये फिल्म साजिद की फिल्म है। तो दोस्तों इस तरीके से आए हमारी इस फिल्म में स्नेहल दाब्बी एज अ विलन। तो ये थी इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आप इस फिल्म से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।